XML sitemap बिल्कुल HTML sitemap की तरह ही है, लेकिन ये different language है. तो HTML basically web pages बनाने के लिए use होती है, जिसका मतलब hypertext markup language है. लेकिन XML basically एक different language है, जो सिर्फ search engines समझ सकते हैं. दोनों का मकसद ultimately same होता है. आप चाहे HTML sitemap बनाएं, चाहे आप XML sitemap बनाएं, उसका मकसद वही होता है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट के जितने भी URLs हैं वो एक लिस्ट में रख दें, ताकि जो भी सर्च इंजन गूगल या कोई और उसको क्रॉल करे, उनको वो सर्च इंजन मिल जाए. XML साइट मैप देखने में कुछ इस तरह से होते हैं. अगर आप इस साइट मैप में गौर करें तो ये जो आपको एरर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके URLs ही हैं, और ये पूरी जो है ना लिस्ट आपकी इस पर पड़ी हुई होगी. XML में और HTML में फ़र्क सिर्फ इतना है कि HTML में आप एज अ वेब पेज गूगल को साइट मैप देते हैं, यानी कि वो सिर्फ उसको वेब पेज के तौर पे ही लेता है. ऑल्दो कि वो साइट मैप है, लेकिन है तो वो एक पेज ही, ठीक है. लेकिन XML में आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसको दे सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी, कि आपके लिए कोई पेज कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है. आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं ताकि गूगल उसको उस तरह से काउंट करे. लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, बल्कि ये कोई भी सर्च इंजन रिकमेंड नहीं करता कि आप इससे प्ले करें. आपको बेसिकली सिंपली एक XML साइट मैप अपलोड करके उसको अपनी वेबसाइट पर रखना होता है, और बाद में आप उसको गूगल वेब मास्टर टूल्स, बिंग वेब मास्टर टूल्स में भी ऐड कर सकते हैं. गूगल वेब मास्टर टूल्स को बेसिकली गूगल सर्च कंसोल भी कहते हैं. तो आप उनमें ये सबमिट कर सकते हैं. लेकिन सवाल ये है कि इसको बनाया कैसे जाए. सो अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, जो आपका वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं सारे के सारे उन पेजेस के URLs XML फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे. आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है. वो आपको एक URL देगा, उस URL पे सारे के सारे URLs ऑलरेडी आपके पड़े हुए होंगे. तो वो XML की फाइल प्लगइन खुद क्रिएट करेगा. लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो आपको खुद से ये बनाना होता है. आप इसके लिए कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे फ्री और बहुत सारे पेड टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको XML साइट मैप बनाने की सहूलत देते हैं. उनमें से मैं एक टूल को आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको लिमिटेशन ना हो कि XML साइट मैप बनाना कैसे है. लेकिन अगर आपके पास डेवलपर की सहूलत मौजूद है, और अगर आप डेवलपर तक रसाई रखते हैं, तो आप अपने डेवलपर से भी कह सकते हैं कि भाई मुझे XML साइट मैप चाहिए या मुझे HTML साइट मैप चाहिए. तो दोनों काम डेवलपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम आप भी कर सकते हैं. सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से XML फॉर्मेट में जो साइट मैप है वो कैसे क्रिएट होता है. इसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा और उस पर मैं एक अपनी ही वेबसाइट डालकर आपको एक डेमो दिखाऊँगा किस तरह से उसके सारे जो URLs हैं वो क्रॉल करेंगे और एक XML फॉर्मेट मुझे वो आउटपुट दे देंगे. आइए देखते हैं. मैं गूगल में जाऊँगा और वहाँ जाके XML साइट मैप जनरेटर लिखूंगा और सर्च कर लूंगा. गूगल मुझे काफ़ी रिजल्ट्स दिखाएगा. इसमें से आप, जैसे कि मैंने पहले बताया कि काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे. फ़िलहाल मैं सबसे पहले जो रिज़ल्ट आ रहा है xml-sitemaps.com, मैं इसको ओपन करूंगा और मैं इधर से अपनी वेबसाइट का एक XML साइट मैप क्रिएट करूँगा. यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको ये बॉक्स नज़र आएगा. यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट लिखनी है. फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए मैं अपनी ही वेबसाइट का नाम लिखूँगा, जिसका नाम www.usman.co यानी कि usman.co है. और उसका मैं यहाँ स्टार्ट प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, वो उसको रीड करेगा और वो मुझे ये भी बताएगा कि उसने कितने पेजेस स्कैन कर लिए हैं, कितने पेजेस रहते हैं, कितना टाइम गुजर चुका है, और इस तरह से मतलब वो सारी चीज़ें बताएगा. जैसे कि आपने देखा कि साइट xml-sitemaps.com ने मेरा एक साइट मैप जनरेट कर दिया है. उसने मुझे यहाँ कुछ स्टैट्स दिए हैं कि वो तकरीबन 29 सेकंड उसको लगे, और उसने 41 पेजेस स्कैन किए हैं जिसमें से 19 पेजेस उसने ऐड किए हैं और अभी भी कोई क्यू नहीं है. और ये मेरी वेबसाइट का एक थंबनेल उसने जनरेट किया है जो जैसी उसको नज़र आ रही है. लेकिन यहाँ पर एक जो नीला बटन है इस पर आप देखें कि ये व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो मुझे एक और पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर मुझे वो ये बताएगा कि ये साइट मैप की डिटेल्स किस पेज के लिए हैं, और वो मुझे बता रहा है कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं.
यहाँ पर मुझे वो XML फाइल दे रहा है जो मैं जिसको क्लिक करूँगा तो वो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि .xml फॉर्मेट में होगी। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और आप जैसे कि देखेंगे एक फाइल फ़ौरन से डाउनलोड हो गई है और इसको अभी हम बाद में ओपन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूँ कि ये प्रीव्यू भी मुझे दिखा रहा है कि किस तरह से उसने मेरे usman.co के सारे URLs जिसमें सर्विसेज, कैरियर, ब्लॉग और मुख्तलिफ जो मैंने पोस्ट लिखी हैं वो सब दिखा रहा है। वो उसमें ये लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट भी बता रहा है कि वो कब लास्ट ईयर मॉडिफाई हुई थी और उसने ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटी खुद सेट कर दी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज जो होम पेज है वो प्रायोरिटी वन है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद सर्विसेज का पेज यानी कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे 0.8 यानी कि वो 80% प्रायोरिटी है उनकी और बाकी फिर जो पोस्ट हैं उनकी उससे कम प्रायोरिटी है। अब ये प्रायोरिटी मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको चेंज करें, लेकिन ये है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही जाने दें तो कोई मसला नहीं होगा। अब ये साइट मैप को मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो साइट मैप मेरी ड्राइव में आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद, एक मैं टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि वो टेक्स्ट एडिटर में वो कैसा नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन हो गया है और ये वैसे ही बिल्कुल नज़र आ रहा है जैसे कि हमने पहले स्क्रीनशॉट देखे थे। इसमें ऊपर ये XML लैंग्वेज की सारी कोडिंग है जिसमें वो मेटा डाटा साहब उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, लेकिन फिर आप देखेंगे नीचे URL का टैग ओपन हो रहा है और उसके नीचे मेरी लोकेशन है यानी कि URL खुद उसकी लोकेशन क्या है वो उसकी मैंशनड है, उसके लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था उसकी डेट मैंशनड है, उसके साथ टाइम भी मैंशनड है और फिर ये कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद URL का टैग क्लोज़ हो रहा है। सो मेरा ये एक URL जिसकी लोकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम और प्रायोरिटी डिसाइडेड है। इसी तरह से आप देखेंगे सब URLs हैं और सब URLs की आप उनकी लोकेशन, उनकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट और उनका उनकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली डिफाइंड है। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है और वो URL बाद में हम गूगल वेब मास्टर टूल गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर टूल में हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाता चलूँ कि मैंने चूँकि प्लगइन वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बनाई हुई है सो वर्डप्रेस के प्लगइन से मैंने जो एक एग्जाम्पल साइट मैप क्रिएट किया है वो डिफरेंट थोड़ा सा नज़र आएगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली वो काम यही करता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा /sitemap_index.xml, ये मेरी साइट मैप का एड्रेस है। इसको मैं टाइप करके एंटर करूँगा तो वो मेरा साइट मैप ओपन कर देगा। इस साइट मैप के लिए मैंने योस्ट SEO का प्लगइन यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये योस्ट SEO ने क्रिएट किया है। सो इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली इसमें पेज का साइट मैप है, पोस्ट का साइट मैप है और कैटेगरी का साइट मैप है। जैसे मैं पेज का साइट मैप ओपन करूँगा उसमें सारे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें आपको इमेजेस भी नज़र आ जाएंगे कि हर पेज पे कितने इमेजेस हैं और फिर उसकी मॉडिफिकेशन डेट क्या है। अभी हर प्लगइन का अपना फॉर्मेट है, योस्ट का प्लगइन मैं रिकमेंड करूँगा, ये बेहतरीन प्लगइन है SEO के लिए भी और साइट मैप्स के लिए भी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको एक टिपिकल रेगुलर XML साइट मैप क्रिएट करने का भी तरीका बताया जो कि आप एक फ्री वेबसाइट से जाके क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर आप योस्ट का प्लगइन यूज़ करें तो उससे आप वर्डप्रेस पे भी एक प्लग अपना साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं XML फॉर्मेट के अंदर, और आपको मैंने दिखा भी दिया कि वो किस तरह से नज़र आता है। हर प्लगइन अपना फॉर्मेट रखता है, वो डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपकी मतलब क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो शायद आपको मैनुअल साइट मैप क्रिएट करने में मसला हो, तो पेजेस की तादाद देखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं तो आपके लिए वो फ्री वर्जन शायद काम ना करे, लेकिन अगेन ये आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करना है या अपनी वेबसाइट देखनी है कि किस वेबसाइट में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ताकि ये आपको मैन्युअली ना करना पड़े, ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाए। इन शॉर्ट XML साइट मैप आपने बनाने ही हैं और उसके लिए अगर आप टूल्स यूज़ करें तो भी बेहतर है, आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आप मैन्युअली बना सकते हैं, लेकिन हमें XML साइट मैप बनाकर गूगल सर्च कंसोल में और बिंग वेब मास्टर टूल्स दोनों में ऐड करने होते हैं, जिसमें हम मज़ीद बात बाद में करेंगे।